नमस्कार, मैं सपना ठाकुर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल प्लस 24 हेडलाइन। वो है ना पप्पू जो है ना कॉमेडी है कुछ, मेरे को तो कॉमेडी लगता है जब मैं उसकी वीडियो देखता हूँ। मेरे को जब कॉमेडी देखनी रहती है मैं उसको ही देखता हूँ। किसको? पप्पू को। पप्पू पप्पू राहुल गांधी डांडी डांडी राहुल गांधी। हाँ बोले प्रधानमंत्री बनेंगे, मोदी जी जा रहे हैं आपकी बार। अगर मोदी जी जाते तो है ना आपके जैसे जितने भी यहाँ पे खड़े है ना ये इस जगह पे नहीं है ना, इस ये खराब टूटी फूटी जगह पे होते ये देश गिर जाता। देश तो बेच दिया मोदी जी ने। किसने खरीदा? किसके औकात है खरीद लिया बताओ मेरे को, अभी दिखा दो। किसने खरीद लिया औकात है किसी की? कह रहे मोदी जी कुछ नहीं करते, नए नए कपड़े पहनते हैं, नए नए देश में घूमते हैं। वो हटो हटो दो, वो पोस्टर देख रहे हो लांडी योजना का? वो मोदी जी ने बनवाया तो कांग्रेस का कहां दिख रहा है बता दो, एक भी जगह पे कांग्रेस का दिख जाए तो। पोस्टर में दिखते हैं मोदी जी, नीचे नहीं दिखते जमीन पर। रुक जाओ, अगर है ना मोदी को देखना है ना बाहर शहरों में जाओ, क्योंकि ये जो ये राहुल जैसे है ना यहाँ गांव में नहीं आते प्रचार करने, मोदी जी बड़े बड़े शहरों में करते हैं क्योंकि उनको टाइम ही नहीं है। वो उसको क्या काम है, फ्री में घूमता रहता है इधर उधर। कौन है? राहुल पप्पू। राहुल तो तुम्हारे गाँव में आए, तुम्हें भाषण दिया, तुमको समझाया, बोला मैं तुम्हारे साथ हूँ। अबे तो भाई, और मैं जब भी जाता हूँ मैंने सुना था बोलते हमारी वो रद्द कर दी मोदी ने, वो रद्द कर दिया। तो तुमने किसी का वो रद्द किया था क्या? तुमने तुम्हारी औकात है कुछ रद्द करने की, मोदी की औकात है इसलिए वो रद्द कर देता है, तुम्हारी क्या औकात है? क्या ना मोदी जी काम ही नहीं करने देते हमें, काम ही नहीं करने देते। किसने मना किया हमको ले चला, आपने कुछ भी काम किया हो तो? राम मंदिर आपने बनवाया, हमने बनवाया, मोदी ने बनवाया, मोदी ने। और मोदी मोदी मत कहो, मोदी जी कहो, मोदी जी, मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद। कह रहे अब की बार बस्ता बन गया है, अब की बार राहुल भैया प्रधानमंत्री बनेंगे। अगर बन गया, अगर बन गया, बन गया, ये बात लिख के ले लो। क्या है ऐसा मोदी के अंदर? मोदी के अंदर सब कुछ है। अरे भाई 10,000 लोहों में एक सोना निकला है वो। 10,000 लोहे में एक सोना? हाँ मोदी। हाँ लोहे। इसलिए फकीर है मोदी, फकीर। फकीर कहाँ से? अभी हिंदू कट्टर हिंदू है। और अभी कोई बोल रहा था कि ना मोदी मोदी के पास बहुत पैसा आ रहा है, तुम्हारे जैसे राहुल के जैसे थोड़ी है कि भीख मांग रहे हैं रोड के ऊपर। राहुल भीख मांग रहे हैं? हाँ राहुल भीख मांगता है सब जगह पे खड़ा रह के। राहुल तो बहुत बड़े नेता है। क्या बड़ा है, सबको टोपी लगाता। अगर हिंदू होता तिलक लगाता, आज तक तिलक नहीं लगा। और हमारे भारत की कपड़े कुर्ते पजामे वो तो टी शर्ट पहनता है, दूसरे देशों के कपड़े पहनता है राहुल गांधी। हाँ टी शर्ट पहन के आया था राहुल गांधी। अब की बार प्रधानमंत्री बनेंगे, 28 गठबंधन साथ खड़े हैं। अरे कौन सा, सब टूट जाएंगे, सब टूट जाएंगे। अब एक बात बोलूं, अगर ऐसे गठबंधन की बात करते हैं अब तो जो बीजेपी है आज हर घर के घर बनवाए हैं उसने, प्रधानमंत्री आवास योजना 2.5 लाख रुपए मिलेंगे सबको। आपके देख लो आज पूरा बोलाज में कितने घर बने आवास योजना से। राहुल गांधी ने क्या किया? प्रधानमंत्री बनेंगे राहुल भैया। अरे नहीं बनेगा, वो कहाँ देखा है बनने की? कैसे बनेंगे प्रधानमंत्री बताओ? मोदी जो है जिसकी इतनी औकात है, अरे राहुल गांधी में दम होता तो यहाँ पे वो सिक्योरिटी लेके नहीं आता। मोदी जितना बड़ा है वो है जब भी कभी कभी सिक्योरिटी लेके भी नहीं आता है मोदी। हाँ लाल किले पे कौन सी सिक्योरिटी थी? खुला शेर जाता है, खुला शेर जाता है। कौन है खुला शेर? मोदी 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 ही है, मोदी रहेगा। और हमें जब तक मोदी रहेगा सूरज चांद रहेगा, मोदी जी का नाम रहेगा। बात कदम दिल्ली से क्या करो? जब तक सूरज चांद रहेगा मोदी जी का नाम रहेगा। कह रहा बेटा जब तक सूरज चांद रहेगा मोदी जी का नाम रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल सत्य मेरे भाई, मेरे राष्ट्रवाद जग चुका है हर बच्चे बच्चे के अंदर, हर बच्चे बच्चे के अंदर राष्ट्रवाद जग चुका है आज। अब वो दिन नहीं दूर नहीं होगा जब विश्वगुरु जिस तरह महाभारत में भीष्म पितामह का रोल निभाया था, उस तरह आज पूरे देश के पूरे विश्व का भीष्म पितामह का रोल
हमारे नरेंद्र मोदी जी निभा रहे हैं। आज पापगिरी जो कि विदेश के प्रधानमंत्री जी आते हैं और पेड़ लगते हैं उनके उनके, अभी दिल्ली में एक आयोजित करवाया बहुत शानदार जो 2G सम्मेलन था, पूरे विश्व से बधाइयां मिल रही है, पूरे विश्व से बधाइयां मिल रही है मोदी जी को, इतना शानदार आयोजन करवाया उनने, पहली बार इंडिया में हुआ ये। अरे टेंट उखड़ गया मोदी का 24 में, टेंट उखड़ गया मामा का 23 में। बिल्कुल गलत टेंट मोदी जी का तो क्या है साहब, अब कमलनाथ का उखड़ा 2047 तक पूरा रहेगा। आप कमलनाथ की बात कर रहे हो और राहुल की बात कर रहे हो, अरे बस 18 महीने उसने राज क्यों किया अभी तक, इतना नहीं इतना 15 महीने किया तो कादर थी तो वो आज भी रहता, आज है ही नहीं वो, आज है ना शिवराज सिंह चौहान और मोदी है और हम भी है, जब तक बीजेपी है जब तक ही ये देश है। बीजेपी अगर और कोई सी पार्टी आई मैं लिख के ले लो कि आप पूरा देश बर्बाद हो जाएगा। देश तो बेच दिया मोदी जी ने भाई। अरे बेच दिया, मैं यही तो बोल रहा हूँ कि किसके औकादे खरीदने की आप राहुल गांधी ने बताया मेरे को, राहुल गांधी मेरे को पता है कि उसके घर पे 3 साल से पीएम बनता रहे, पर आप बता दो कि आप कब बना था, वो 3 साल होगा नहीं बना। राहुल भैया प्रधानमंत्री बनेंगे कब, और ये देश जो बेचा है मोदी जी ने राहुल भैया खरीद के लाएंगे वापस। अगर बना है मैं बताऊं बना है तो आप बता दो कब बना है, और आपको कैसे पता, आप अंतर्यामी हो तो आप बता दो कि क्या बना है। भगवान हो गया, मैं बोलूं मैं कल प्रधानमंत्री बनूंगा, बन गया क्या तो जनता बनाएगी ना राहुल भैया को, कौन बनाएगा 28 गठबंधन है, ममता दीदी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अरविंद केजरीवाल, सब तो हैं, सब एक नंबर के आदमी है। रुको, आप बोलते हो शिवराज सिंह चौहान और जो मोदी है, योगी है, यूपी और मध्य प्रदेश दोनों में ना बड़ी पीएम किसी की नहीं है, कांग्रेस की एक भी पीएम हो बड़ी तो मेरे को बता दो, पूरी मोदी की है, बताओ कहाँ पे है कांग्रेस की एक भी पीएम। बस अब गए कहाँ, गए मोदी जी, अब की बार कहाँ से गए, अरे कोई का विदेशी आएगा और यहाँ पे हमको सिखाएगा तो क्या हम उसको बना देंगे विदेशी? ये राहुल पप्पू कहाँ हो गया विदेशी, कहाँ से नहीं है भैया, ऐसा कहाँ लिखा है कि वो विदेशी नहीं है, उसका परिवार विदेशी, वो पूरा मुस्लिम है, सनातन की बात करते हैं वो, जनेऊ पहनते हैं सनातन के। अरे तो भैया मंदिर कौन सा बनवाया उसने, मंदिर कौन सा बनवाया, राम मंदिर वकील करके भी एक मंदिर ने बना, देखो उसने ना और 25 वकील करवाए होंगे मेरे हिसाब से तो राम मंदिर के उस टाइम पे, ये किसने, राहुल गांधी ने, पप्पू ने, तो 25 वकील मंदिर बनवाने के लिए करवाए थे ना, नहीं उनको गिराने के लिए, और आज है ना वो जो क्या नाम है उनका अंधे वो ने जिन्होंने राम मंदिर की, भद्राचार्य महाराज उन्होंने आंखें बंद करके जगह बता दी कि यहाँ पे बनेगा राम मंदिर और बन भी गया। किसने बनवाया राम मंदिर, मोदी ने बनवाया 50 वकील कर लिए एक मंदिर ने बना पप्पू से, हाँ कुछ तो पता नहीं हो, और वो 50 अरे अब की बार ठटरी बंद गई है, बस्ता बंद गया है, अब की बार जा रहे हैं मोदी जी, जा रहे हैं मामा जी, मामा जी भी जाएंगे। रुको मेरे को बता दो यहाँ पे एक भी कांग्रेस का वोट हो तो अभी पूछ लो कौन कौन बीजेपी को, कौन कौन घर से, आज किसी का वो किसी का पति नहीं बना मुख्यमंत्री, वो प्रधानमंत्री का बनेगा आज, राहुल गांधी शादी करेंगे ना, शादी होगी जब प्रधानमंत्री बनेंगे, किससे करेंगे शादी, बुड्ढा हो गया तब शादी करेगा क्या, मैं युवा है राहुल भैया, काका युवा मेरे को तो चाचा लगता है, चाचा हाँ चाचा ये और क्या है, अरे युवा है युवा, काका युवा साल का युवा, कौन का युवा, भारत जोड़ो यात्रा में ठंड में टी शर्ट पहन के घूम रहे थे, 56 साल का युवा नहीं होता, अरे भाई अभी तो ये बताओ कि इसका हिंदी सीखा है नहीं तो इंग्लिश में भागता था, इंग्लिश में हाँ।